नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज शारदीय नवरात्रा का 5वां दिन, मां स्कंद माता की होगी पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है आज का दिन। भूमि सर्वेक्षण के बीच जारी हुआ नया अपडेट, प्रदेश सरकार ने दिए 5 नए निर्देश, रैयतों को अब नहीं होगी परेशानी। 15 अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं बालू खनन, अवैध खनन को रोकने के लिए रात में बढ़ेगी गश्ती, अवैध खनन को रोकने के लिए होंगे औचक छापेमारी। आधार के कटने फटने का नहीं होगा डर, UIDAI ने PVC आधार कार्ड बनाने की दे रहा सुविधा, PVC आधार कार्ड के लिए जाने आवेदन प्रोसेस। अब असली नकली वेबसाइट्स का यूजर आसानी से लगा सकेंगे पता, गूगल वेबसाइट्स के डोमेन नेम के आगे लगाएगा ब्लू चेक मार्क, फेक कंटेंट पर कसेगा नकेल। विमेन T20 2024 में भारत ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को रखा जिंदा, भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा, 18.5 ओवर में जीत की हासिल। चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए कुल 1497 पद भरे जाएंगे। इसकी आधिकारिक वेबसाइट आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में आपको ₹750 देने होंगे। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BTEC या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT इलेक्ट्रॉनिक में BMCA या MTEC या MSc की डिग्री हासिल की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज शारदीय नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक संतान प्राप्ति के लिए मां स्कंद माता की पूजा अर्चना बेहद फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से साफ मन से मांगी गई सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं बीते दिन नवरात्रि को लेकर मंदिरों में विशेष रूप से भीड़ देखने को मिली थी। पूजा को लेकर बाजारों में भी काफ़ी रौनक देखने को मिल रहा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बलिराम भगत के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1922 को बिहार में हुआ था। ये 1939 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष और देश में विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। देश की राजनीति में इन्होंने अहम योगदान दिया था। साथ ही 7 बार सांसद के पद पर भी रह चुके हैं। 2 जनवरी वर्ष 2011 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024-25 के माध्यम से टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना के लिए आवेदन शुरू है। इच्छुक व्यक्ति 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in के जरिए आप अनुमोदित प्राकलन एवं मॉडल प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मॉडल प्रोजेक्ट चेकलिस्ट के अनुसार भरकर एवं स्व अभिप्रमाणित कर उद्यान निदेशालय कृषि भवन मीठापुर पटना में जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि भौतिक लक्ष्य संख्या में 2, इकाई लागत लाख में 485 और सहायता अनुदान 50% दिए जाएंगे। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच सरकार लगातार सर्वे को लेकर नए नए अपडेट जारी कर रही है। रैयतों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने और अन्य परेशानियों को हल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब इसी बीच सर्वे को लेकर CM नीतीश का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल ये रैयत की वंशावली को लेकर है। सरकार ने इस संबंध में 5 आदेश भी जारी किए, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अमीनों को ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जमीन मालिकों को शपथ पत्र बनवाने के लिए अनुमंडल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। जमीन वंशावली के लिए प्रपत्र 3-1 को सादे कागज पर भी तैयार किया जा सकता है। नए आदेश के मुताबिक यदि जमाबंदी रैयत जिंदा है तो उन्हें वंशावली देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है और ना ही खतियान के मूल प्रति की जरूरत है। बिहार में कई जगहों से बेलगाम अधिकारियों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। अब सरकार इन पर लगाम लगाने की तैयारी में है। जिन भी CO के ऊपर गंभीर आरोप हैं, उन्हें निलंबित कर उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। जब तक विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं होती, ये CO नहीं बनाए जाएंगे।
सरकार ने निलंबित किए गए 3 अंचल अधिकारियों को निलंबन से मुक्त कर दिया है। हालांकि अभी तक ये सीईओ के पद पर वापसी नहीं कर पाए हैं। इसमें सिवान जिले के महाराजगंज अंचल के तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी रविंद्र राय, औरंगाबाद सड़क के तत्कालीन सीईओ अंशु कुमार सिंह और भभुआ के तत्कालीन अंचलाधिकारी तारा प्रकाश का नाम शामिल है। 30 सितंबर को ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये संकल्प जारी किया गया था। अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती होगी। वर्ष 2023 में लिए गए इस निर्णय में भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है। इसी परीक्षा के जरिए उच्च प्रशासनिक पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति होती है। अब भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भी रेलवे ने इस परीक्षा को मान्यता दी है। आपको अवगत करा दें कि रेलवे मंत्रालय द्वारा एक विशेष भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई थी। इस परीक्षा में केवल इंजीनियरिंग या वाणिज्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवार ही भाग ले सकते थे, लेकिन अब गैर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के बच्चों को भी मौका मिलेगा और वे रेलवे प्रबंधन सेवाओं में शामिल हो पाएंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अब पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल से वेतन पर्ची के बिना भी जुलाई से सितंबर 2024 तक का वेतन मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत पोर्टल से प्राप्त स्लिप के आधार पर वेतन भुगतान की शर्त को अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है। इस निरस्त से 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जैसे पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय आदि शामिल है। राज्य सरकार ने इस अवधि के वेतन के लिए आवश्यक धनराशि पहले ही जारी कर दी है। इससे शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सकेगा और उन्हें पेरोल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार की नदियों में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए एक बड़े अभियान की योजना बना रहा है। विभाग के मुताबिक अधिकांश अवैध खनन रात के समय होते हैं, जिसे रोकने के लिए जिला पुलिस और टास्क फोर्स की मदद से रात में गश्त बढ़ाई जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि 15 अक्टूबर से मानसून की समाप्ति के बाद नदियों से बालू खनन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इस दौरान अवैध खनन की संभावनाओं को देखते हुए खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे गश्त बढ़ाएं, खासकर रात के समय। टास्क फोर्स में एसडीएम रैंक के अधिकारी और खनन विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे, जो अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए औचक छापेमारी करेंगे। जिला टास्क फोर्स को 15 दिन पर कार्रवाई का ब्यौरा राज्य खनन मुख्यालय को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के 7वें मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। पहले मैच में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 105 रन बनाए, जिसमें नीदा डार ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए थे। भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट लिए 106 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 18.5 ओवर में जीत हासिल की। भारत की शुरुआत औसत रही, लेकिन शेफाली वर्मा ने जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ मिलकर 43 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 35 गेंदों पर 32 रन बनाए। आधार कार्ड अब पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, लेकिन कागजी आधार कार्ड जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में UIDAI ने PVC आधार कार्ड बनाने की सुविधा पेश की है, जो महज ₹50 में उपलब्ध है। ये कार्ड ना तो फटेगा और ना ही गलेगा और इसकी लाइफ भी लंबी होगी। PVC आधार कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा, अपना आधार नंबर डालना होगा और OTP वेरीफाई करने के बाद भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद कार्ड आपके पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे। ये कार्ड कई सुरक्षा फीचर्स जैसे होलोग्राम और QR कोड से लैस है, जिससे इसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। कार्ड प्राप्त करने में 15 दिन का समय लग सकता है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा के लिए राज्य में 118 राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। यदि आप भी इसमें नामांकन चाहते हैं तो जरूरी है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हों और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से अपना संबंध रखते हों। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई कर रहे हों। उम्मीदवारों का चयन गत परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार कर रिक्तियों के अनुरूप होगा। यहां छात्रों को निःशुल्क नामांकन, आवासन और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा सभी छात्र या छात्राओं को 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं दिए जाएंगे। साथ ही हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित जिला के अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार के गया जिले की। बिहार का ये जिला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस जिले में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इस शहर का उल्लेख रामायण महाभारत में भी देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये शहर फल्गु नदी के किनारे बसा है। यहाँ कई पथरीली पहाड़ियाँ भी हैं जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। इस जिले में आप विष्णुपद मंदिर, रामानुज मठ, बराबर पहाड़, सूर्य मंदिर, ब्रह्म योनि पहाड़, दुंगेश्वरी गुफा मंदिर, मुचलिंदा सरोवर, शाही भूटान मठ, बोध गया, अक्षयवट, रामशिला पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, सीताकुंड, थाई मठ, धर्मचक्र जैसे कई पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। केंद्र की एनडीए सरकार बिहार और यूपी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लेकर आ रही है, जिनमें वाराणसी औरंगाबाद चौरदाहा इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है। ये 262 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर औरंगाबाद होते हुए चौरदाहा तक जाएगा। इसे धनबाद तक बढ़ाने की योजना है। ये प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए की लागत से NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण से यात्रा का समय 1 घंटे कम होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त होने के साथ ही किसानों को अपने उत्पाद जल्दी बेचने में मदद मिलेगी। साथ ही ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को जोड़ते हुए नई दिल्ली से कोलकाता के आर्थिक महत्वपूर्ण शहरों को भी जोड़ेगा, जिससे व्यापार और औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण से बिहार के विकास में भी तेजी आने की उम्मीद है। प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और हर महीने हर कक्षा के मॉनिटर बदले जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक कक्षा का एकेडमिक कैलेंडर बनाया जाएगा ताकि पढ़ाई नियमित रूप से शुरू हो सके। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ग शिक्षक बच्चों के अधिगम स्तर का रिकॉर्ड रखें और अवकाश के दौरान पठन पाठन के लिए विकल्प की व्यवस्था प्रधानाध्यापक करें। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने यह भी कहा है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर पढ़ाई करवाएंगे और कमजोर बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी। प्रधानाध्यापक हर सप्ताह शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पढ़ाई एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार हो रही है। इसके अलावा 4th से 8th कक्षा के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क भी करवाया जाएगा। बिहार में शराब बंदी के बावजूद भी आए दिन शराब तस्करों के नए कारनामे के पोल खुल रहे हैं। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल बगहा पुलिस जिला के धनहा थाना की पुलिस ने गौतम सेतु पर एक सफेद बोलेरो को रोका। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में शराब की पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। ये गाड़ी यूपी से आ रही थी। गाड़ी के सीट के नीचे और छत के अंदर तहखाने बने हुए थे। इसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिले। इस गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि यदि तह तक गहराई से जांच नहीं होती तो शायद ही गाड़ी में बने इस शराब की फैक्ट्री का खुलासा हो पाता। इस मामले में पुलिस ने यूपी देवरिया के जगदीश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर धनहा थाना प्रभारी ने कहा है कि बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेजा जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के मधुबन बेसी गांव में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर बाढ़ के दौरान राहत सामग्री पहुंचाते समय दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर चर्चा का विषय बन गया है। लोग बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर को देखने आ रहे हैं, जिसके कारण स्थिति बेकाबू हो रही है। सुरक्षा के लिए वायुसेना के 3 जवानों और 20 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 2 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी और स्थानीय लोगों की मदद से सभी जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि हेलीकॉप्टर अभी भी
पानी में पड़ा हुआ है, जिसके आसपास जाना मना है, लेकिन स्थानीय लोग जोखिम उठाकर वहां तक पहुंच रहे हैं। कई लोग यहां वीडियो भी बना रहे हैं। रोजाना करीब 2000 लोग पुल पर आकर हेलीकॉप्टर देखने आते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर के नज़दीक किसी बाहरी को आने की इजाज़त नहीं है। एयरफोर्स अधिकारी पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हेलीकॉप्टर को निकाला जा सके। गूगल एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके तहत वेबसाइट्स के डोमेन नाम के आगे ब्लू चेक मार्क दिखाया जाएगा। ये फीचर फिलहाल टेस्टिंग में है और इसका उद्देश्य असली और नकली वेबसाइट्स के पहचान का फर्क करना आसान बनाना है। जब यूजर्स कुछ सर्च करेंगे तो वे चेकमार्क के माध्यम से जान सकेंगे कि कौन सी वेबसाइट वेरीफाइड है। ये फीचर फेक कंटेंट पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया जा रहा है, जिससे यूजर्स फर्जी वेबसाइट्स को आसानी से पहचान सकेंगे। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये इंस्टाग्राम या फेसबुक के ब्लू टिक से मिलता जुलता है। कंपनी पहले इसे बड़े बिजनेस के लिए पेश कर सकती है। इसके बाद आम यूजर्स के लिए इसे रोल आउट किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी की घटनाएँ भी कम हो सकती हैं। चल रहे शारदीय नवरात्रि के बीच बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज भी प्रदेश में अधिकतम ताप जगहों पर बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर आज किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री और कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। नेपाल पुलिस ने रक्सौल बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर रातों माटी चेक पोस्ट पर सोने की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने दो भारतीय नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से एक का नाम अभिषेक कुटी और दूसरे का नाम राहुल भेट्टीहाल है। इन दोनों ने 8 किलो 243 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 11.43 करोड़ रुपये, शरीर में छिपा रखे थे। ये कार्रवाई दशहरा दीपावली के मद्देनजर विशेष अभियान के तहत की गई थी। दोनों तस्कर महाराष्ट्र के निवासी हैं और वे पहले भी काठमांडू में सोने की डिलीवरी कर चुके हैं। उनकी बातचीत हांगकांग के में बैठे एक सिंडिकेट चीफ से भी हो रही थी, जिसका सबूत भी मिला है। हाल के दिनों में सोने की तस्करी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और सोने की खेप बरामद हुई थी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और खेसारी लाल की दोस्ती और दुश्मनी हमेशा चर्चा में रहती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रानी चटर्जी ने दोनों की दुश्मनी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों की राइवलरी फर्जी लगती है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ये दोनों सीधे साधे थे, लेकिन अब इंडस्ट्री ने इन्हें मशहूर बना दिया है। रानी ने कहा कि अगर पवन और खेसारी आपस में नहीं लड़ेंगे तो दर्शक उन्हें क्यों सुनेंगे और या उनकी फिल्में क्यों देखें। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने हाल ही में कहा था कि वे पवन सिंह से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और उनकी बॉडी भी बेहतर है। इस पर पवन सिंह ने मजाक में कहा कि ये सब फिर से शुरू हो गया है। दोनों अक्सर अपनी लड़ाई की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन कई बार भी एक दूसरे के प्रति दोस्ताना भी रहते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल लालू और तेजस्वी समेत 8 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा था। अब इस समन के मुताबिक आज इन सभी को कोर्ट में पेश होना है। आज लालू यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दिल्ली जा चुके हैं। बता दें कि आज पहली बार तेज प्रताप यादव लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया था कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस मामले को लेकर यह भी कहा था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया में पर्याप्त सबूत है। जमीन का ट्रांसफर बड़ी तादाद में हुआ था। आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक होने वाली है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होनी है। इस बैठक में बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल होना था, लेकिन अब बिहार से नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार की जगह बिहार का प्रतिनिधित्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करने वाले हैं। इस मामले पर अभी हाल में ही एक और बैठक आयोजित हुई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने के लिए 5 केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री भी शामिल होंगे।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1586 में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया था। आज के दिन वर्ष 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1919 में गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आज के दिन वर्ष 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी थी। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत में त्वरित कार्रवाई बल का गठन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2000 में WWF इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार हासिल किया था। आज के दिन वर्ष 2004 में जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। आज के दिन वर्ष 1922 में बलिराम भगत का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट को लेकर एक दावा वायरल हो रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि स्टार वाले 500 रुपए के नोट फेक हैं, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। यदि आपके पास भी इस तरह का 500 रुपए का नोट है तो परेशान ना हो, बैंकों और बाजारों में ये नोट मान्य है। इस तरह की फर्जी खबरों को फॉरवर्ड करने से भी बचें। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी एंड एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, ऑप्शन डी अमेजॉन। इसका सही उत्तर है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है नमो जलयान मिशन, ऑप्शन बी है कल्याण पर्यटन मिशन, ऑप्शन सी है क्रूज विहार मिशन, ऑप्शन डी है क्रूज भारत मिशन। इसका सही उत्तर है क्रूज भारत मिशन। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है वरुण घोष, ऑप्शन बी राजश्री बिड़ला, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी अनुपम खेर। इसका सही उत्तर है राजश्री बिड़ला। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी आलू। इसका सही उत्तर है गेहूं। बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मसूर, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है धान। इसका सही उत्तर है मसूर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रामबाबू यादव, सपना कुमारी, जयप्रकाश, अजित कुमार, आलोक प्रियदर्शी, मनीष शर्मा, राजेश कुमार, नौसाद रजा, पंकज कुमार, रानी कुमारी, नाज साजन, मोहम्मद सोएब, रंजीत कुमार, मनीष कुमार, मुन्ना प्रसाद, रवि कुमार, राम कृष्णा प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद मकबूल अंसारी, अरविंद कुमार, बेबी कुमारी, पंकज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक जॉब के लिए सबसे बेहतर क्षेत्र कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।